एलोपैथी के कारण से इस देश में 100 करोड़ लोग बीमार हो चुके हैं। मैं एक बार बहुत बड़ा मुकदमा इनके ऊपर करने वाला हूं और ऐसे एलोपैथी को ऐसी धरती में गाड़ने वाला हूं कि उठ ना सके 100-200 साल। क्यों? आप सुनो, कोरोना में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्टीराइड दिया गया, उसमें से कम 50 करोड़ लोगों को सुगर हुई। ये तो कुछ लोगों ने मेरी बातें सुन सुन के गिलोय पीपी करके एलोवेरा पीपी करके बस का कपाल भाती कर करके पेन क्रियाज ठीक कर लिया। स्टीराइड के बाद पेन क्रियाज गड़बड़ होता है, आंखों की रोशनी जाती। मैंने तो लोगों को लाइव दिखाया है। स्टीराइड से इम्यूनिटी खराब होती है, स्टीराइड से किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम खराब होता है, सफेद दाग हो गए लोगों को स्टीराइड एंटीबायोटिक्स। अच्छा, विज्ञान के नाम पर कितना अज्ञान, मैं इसको बोलता हूं लिटरेट इडियट्स कितने हो गए हम लोग, पढ़े लिखे मूर्ख नादान। कोरोना की कोई दवाई नहीं और कोविड मैनेजमेंट चल रहा है और उसमें क्या दिया जा रहा था, स्टीराइड एंटीबायोटिक्स, रेमडेसिविर। और फिर अरे डोलो वालों ने 1000 करोड़ रुपए बना लिए, 100 करोड़ तो डॉक्टरों को ही बांट दिए। और क्या था उसमें, पैरासीटामोल। बुखार शरीर को ठीक करने के लिए होता है, बुखार उतारने के लिए नहीं होता। अब देखो, बुखार उतारना नहीं चाहिए, उसको उतारते रहते हैं। बुखार तो आना चाहिए, क्यों? बुखार आकर के आपके इन्फ्लेमेशन को, अंदर के इन्फेक्शन को, अंदर के बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को मारता है जो, और बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा चढ़ना चाहिए। तो माने एक लिमिट में चढ़ा हुआ बुखार आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स है कि आपके शरीर में कोई गलत चीज हो गई और आपका शरीर, आपकी बॉडी टेम्परेचर देकर के उसको खत्म करना चाहती है। तो जिन्होंने मेरी बात मानी और बुखार के लिए गिलोय सुदर्शन घनवटी, महा सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, ज्वरना सक्वात, चिरायता कुटके आदि पिया, उनको कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने मेरी बात ना मान के पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो पोलो खाया, लाखों नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों लोग तो मर गए बुखार से। इन एलोपैथी वालों ने तुम्हें शुगर दिए। 99% लोगों को ये जो शुगर की बीमारी है ना, आज से 50 साल पहले मैंने हजारों लाखों गांव की मैं गारंटी देता हूं, एक भी आदमी को शुगर नहीं था आज से 50 साल पहले। आज करीब 25% लोगों को शुगर है, या तो पूरा हो चुका है या बॉर्डर लाइन पर है, उनके पेनक्रियाज गड़बड़ हो गए। विदेशी दवा से, विदेशी खान पान से, और ये जो विदेश से पाश्चात्य अपसंस्कृति के हम आयातक बन गए हैं, उत्तेजक विचारों से, उच्चेतक दृश्य, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक सोच ना, उत्तेजक देखना, उत्तेजक सुनना, उत्तेजक चीजें खाना पीना, उत्तेजक व्यवहार, उत्तेजनाएं बड़ी बड़ी, और ये उत्तेजनाएं आपको डायबिटीज करती है, ये उत्तेजनाएं आपका धातु क्षय करती है, आपको निस्तेज बनाती है, ये उत्तेजनाएं आपके लीवर को गड़बड़ करती है, ये उत्तेजनाएं आपको एसिडिटी पैदा करती है, ये उत्तेजनाएं वात पित्त कफ त्रिदोषों का